हाय दोस्तों, ये देखिए सेम बोर्ड बोल रहा था ना, सेम बोर्ड है। कस्टमर जो शॉप से आया है उस शॉप ने कुछ काम भी किया था। देखिए आईसी कुछ ख़राब होगा शायद, वो खोल के फेंक दिया, अरे भेज दिया, बोले देखो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो ये दिखाएंगे, मैं तो काम से मतलब है। ठीक है, देखिए ये तो फेंक दिया, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या हुआ, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो बता दिया था बाजार मूड में रखना पड़ेगा मीटर को, रख से फ्यूज चेक करना पड़ेगा। देखिए फ्यूज इसका ठीक है, साउंड दे रहा है, और इसका देखिए डायोड पीछे है, ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो पीछे है, उसको हमको खोलना पड़ेगा। खोल के हम चेक करेंगे, देखिए ये ब्रिज का इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, हमारा नया वाला मीटर है ना, इसे बार बार भूल जाता हूँ, ये डायोड मोड में करना पड़ता है। ठीक है, पहले पहला तो दिखाया था, देखिए ये देखिए, ये तो दिखा रहा है, दूसरा तब दिखाएंगे, ये देखिए दिखा रहा है। ठीक है, डायोड मोड नहीं किया था इसलिए पहले नहीं दिखा रहा था। चलिए ये तो ठीक है, बीस तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे। देखिए कैपेसिटर वगैरह जो है वो नहीं फूला है, पहले जैसा जो फूल गया था वो नहीं फूला है, तो नहीं फूल गया, फिर भी हम चेक करेंगे। ड्राइव मोड से रिमूव करते हैं, देखिए कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है, देखिए थोड़ा सा बीप देके छोड़ रहा है। ठीक है, तो नहीं है, चलिए डायट देखता हूँ, डायट मोड में नहीं किया फिर भी दिखा रहा है, कर दूँ तो देखिए, ये देखिए प्लस माइनस करेंगे तो 205.3 दिखा रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला तो सब कुछ ठीक है, ऑक्टो कपलर भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट वगैरह है क्या नहीं। ठीक है, ये तो शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं है, चलिए सब कुछ चेक करके दिया है। मुझे सिर्फ आईसी लगाना पड़ेगा, लगा के हम दे देंगे। देखिए वही आईसी है, दिखेगा देखिए, सुबह का टाइम है ना इसलिए क्या हुआ दिख नहीं रहा, क्या मालूम ही नहीं चल रहा। देखिए CR5258। ठीक है, चलिए ये वाला भी लगा देता हूँ। देखिए एक काट है, एक काट है, ये भी काट है, यहाँ पे देखिए बोर्ड में भी काट है, तो काट में हम लगा देंगे। लगाने के बाद हम सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए एक तो लगा दिया और आईसी नहीं गिरेगा, तो हम क्या करेंगे सब सोल्डरिंग कर देंगे। दोनों जॉइंट हो गया, बाद में छुटाएंगे इसको, पहले हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसको हम पहले
थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक साथ ज्वाइंट क्यों हो रहा है। देखिए हम इसे चेक कर लेंगे, पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम थोड़ा देख लेंगे दोनों एक साथ ही है, ओ दोनों एक ट्रैक में ही है इसलिए शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, पहले वाला ये वाला है, दोनों इस तरफ इनपुट में दोनों दो दो करके शॉर्ट है, और यहाँ पे जो काम किया था ना वो थोड़ा सा यहाँ से हट गया था इसलिए समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो लगा दिया, इसका क्या साउंड हो रहा है, ओ ये वाला साउंड हो रहा है। इसका बैग जो प्लास्टिक था वो तो दिया था क्या नहीं मालूम नहीं, चलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं, चेक करके ओ ये तो दिया था, दिमाग हमारा ही खराब हो गया, सामने है और इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। चलिए ये तो लगा दिया, पावर भी लगा देंगे, देखिए पावर लगा दिया, पहले तो बताया था देखिए वैसा ही है। ठीक है, परंतु ये देखिए बोर्ड इधर 12 वोल्ट है, ग्राउंड है, फिर सी प्लस सी माइनस और बी बाय ओ है, और इधर ओ नहीं है। देखिए एक 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 देखिएगा, इसमें देखिए चॉपर है, ये छोटा वाला है, और इसमें देखिए 12 वाला ग्राउंड है, इसका लेके बैक लाइट भी है, इसका बैक लाइट भी कोई कंपोनेंट मिले लगा है, इसका देखिए बैक लाइट का कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ही होगा, दोनों ये 17 इंची में भी लग जाएगा, ये वाला देखिए डाने तरफ जो है ये वाला 17 इंची में भी लग जाएगा, अरे आपका 15 से 15 6 15 4 में लग जाएगा ये। ठीक है, ये 17 इंची भी लग जाएगा, 17 इंची का पैनल का पावर सप्लाई ज़्यादा के ज़्यादा मेन बोर्ड से आता है। ठीक है, चलिए ये छोड़ दिया, इसको तो मैंने पहले चेक कर लिया, ये तो हम चेक कर लेंगे। देखिए बाई तरफ है दोनों 12 वोल्ट, मिडिल में दोनों ग्राउंड, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, चलिए ए वाला हमने सेट कर दिया 20 में, ए वाला करंट हमने लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद दिखाएंगे वोल्टेज, आप देखिएगा, देखिए ए 12 वोल्ट में लगा दिया या ए ग्राउंड में लगा दिया, कुछ तो दिक्कत होगा है, मालूम नहीं चल रहा कहाँ पे हुआ है। देखिए क्या दिखा रहा है, 1.1 समथिंग कुछ दिखा रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, पहले इसको बाहर से ठीक कर लेते फिर हम दिखाता हूँ ये देखिए 1. समथिंग कुछ है, तो प्रॉब्लम पोर्ट का भी हो सकता है, दूसरा वाला पोर्ट में लगाया है वोल्टेज करंट से, देखिए वही दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैंने हटा दिया हूँ, पहले देख लेता हूँ, सब कुछ तो चेक किया था फिर भी ये हो रहा है, पहले से दूर से पे चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला देखिए एक कैपेसिटर देखिए, ये जो इसमें लीड खराब हो गया, इसका कैपेसिटर भी देखिए लीड खराब हो गया, ये देखिए ए ऑक्टोकपलर है 817, इसका भी देखिए लीड में ख़राब हो गया, कोई मच्छर वगैरह हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर तो ठीक ठाक ही है मच्छर पर फिर भी, ठीक है हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, साफ
सब करने के बाद पहले हम इस ऑक्टोकॉप्लर को चेंज करते हैं, ठीक है। ऑटो कपलर को मैंने खोल दिया हूँ। देखिए इस ऑक्टो कपलर का, देखिए ये मॉइस्चर वगैरह जम गया, ठीक है नहीं, ये देखिए। चलो इसको हम हटा देता हूँ, दूसरा वाला लगाता हूँ। दूसरा वाला मेरे पास बहुत से, दूसरा वाला ऑक्टो कपलर हम लगा देता हूँ। देखिए ये वाला ऑक्टो कपलर लगाने के लिए आपका थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए काट इधर है और काट, देखिए डॉट इधर है, तो कैसे लगेंगे? देखिए जिधर काट का डॉट का पास होगा उधर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इधर गोल दिखा रहा है ना, ये वाला गोल दिखा रहा है, वहाँ पे ये डॉट लगाएंगे, ठीक है। ये तो मैं लगा दिया, इसको हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद चेक करेंगे, चेक करने के बाद चेक करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। देखिए हमने रख दिया, ये लगा दिया, मीटर भी है इधर, थोड़ा टाइम बाद बाद ये क्या हो रहा है। देखिए लगाने के बाद ये माइनस प्लस, ये माइनस, फिर भी वही दिखा रहा है 1.8, ठीक है। ऑक्टो कपलर का होगा कुछ शायद, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कैपेसिटर के पास, एक कैपेसिटर के पास एक ए पिको फैराड कैपेसिटर है, बड़ा वाला कैपेसिटर के पास ए पिको फैराड कैपेसिटर है, तो उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। स्कैप बोर्ड से वो होगा तो लगा देंगे, एक स्कैप बोर्ड में है, ठीक है। चलिए वहाँ से हम लगा देता हूँ। होगा, देखिए ये भी खराब हो सकता है। देखिए लीड का क्या प्रॉब्लम हुआ है, चलिए इसको हम यहाँ से नीचे पे लगा देता हूँ। चलिए ये वाला तो ठीक ठाक ही है, देखिए ये वाला तो ठीक ठाक ही है, जैसा था वैसे लगाना पड़ेगा। जो लिखा था वो ये डायट का साइट में था, वैसे लगा देंगे। ये तो कोई लीड का कोई ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, फिर भी जैसा था वैसे लगा देंगे, ठीक है। चलिए ये तो लगा दिया, लगाने के बाद ये क्या था, ये छोटा वाला कहाँ था, यह था ना हुआ था। चले पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पावर तो लगा ही है, हमने इसको भी लगा दिया, पावर पहले से एक करंट दिया हुआ है, उसका टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए ये वोल्टेज आ गया, ये वाला छोटा सा कैपेसिटर इसका लीड खराब था, इसलिए वोल्टेज नहीं दे रहा था, ठीक है। ये देखिए 12.something कुछ आ गया, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, ये वोल्टेज आ गया। देखिए ये छोटा वाला कैप
कैपेसिटर था। देखिए इसके लीड खराब हो गया, इसलिए ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा था। ठीक है, चलिए वीडियो तो हो गया, बाद में दूसरा वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय।